पे धूम झूला देखिए, यहाँ पे दुल्हन हम ले जाएंगे। इस गाड़ी पे जो है आप बैठा के अपने दुल्हन को ले जा सकते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, वेलकम करते हैं आपका एक न्यू ब्लॉग में। आज का ब्लॉग जो है काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज आपको हम घुमाएंगे हमारे गांव में जो है मेला लगने वाला है, जहाँ पर वहाँ पर क्या क्या तैयारियाँ चल रही है, कौन कौन से झूले आए हैं और कैसे हमारे गाँव में जो है दुकानें मतलब कि सजी है, वो पर आपको दिखाएँगे। तो आज का ब्लॉग जो शुरू करते हैं। आप ही आ ये इसके लिए खिलौना लाया, देखिए ये देख नहीं रही है खिलौने की तरफ, एकदम से एक कागज को फाड़ने में बिजी है। आप यहाँ एक बार। तो गाइस यहाँ पर देखिए अम्मी जो है अभी क्या कर रहे हैं, ये मतलब कि मक्की छुड़ा रहे हैं, जो मक्की मतलब खेत में लगे थे वो तोड़ के लाए, तो अभी छुड़ा रहे हैं। तो गांव में जो है इसी तरह से जो है मक्की वगैरह छुड़ाया जाता है, और शहर में आप लोगों को ये नहीं देखने को मिलेगा। देखिए इस तरह से छुड़ाया जाता है मक्की, तो ये देखिए गाइस इस तरह से जो है मक्की छुड़ाया जाता है। और यहाँ पर देखिए आफिया जो है किताब फाड़ रही है। आफिया आफिया ये देखिए आफिया बोल रही है कि अभी फाड़ेंगे और फाड़ेंगे, बहुत ज़्यादा फाड़ेंगे। आफिया छोड़ दो। सो गाइस अभी देखिए मैं साइकिल पर हूँ और आमिर चला रहा है। अभी हम जो है जा रहे हैं कहाँ पर, आपको मैंने बताया मेला मतलब कि जो सेटिंग हुआ है, मेला मतलब कि जो सज रहा है पूरा, वो आपको दिखाएंगे। दुकान वगैरह कैसे सजी हुई है और क्या क्या मतलब कि उसमें और नया आया है, झूला वगैरह सब दिखाएंगे। पीछे देखिए अरमान है मेरे, ये देखिए, और इसका बार बार जो चेन ही उतर रहा है साइकिल का। उतर लो बढ़िया चला। तो ये पूरा रास्ता है जहाँ पे मेन मेला लगा हुआ है और लगेगा, अभी तो वैसे नहीं लगा, 4 तारीख को लगेगा दुर्गा पूजा का मेला हमारे हाई स्कूल पर। ये रास्ता है। सो गाइस फाइनली जो है हम हाई स्कूल पर आ चुके हैं, जहाँ पर जो है मेला लगा हुआ है और मतलब मेले का सामान जो है पूरा रेडी है। यहाँ पे झूला वूला ये सब बोल रहे हैं और दुकानें वगैरह जो है सज रही है धीरे धीरे। अभी मेला लगा नहीं है, वैसे मेला लगेगा 4 तारीख को। चलिए आपको दिखाते हैं पूरा सीन यहाँ का। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये वाला झूला। इस झूले का क्या नाम है? धूम झूला। सो गाइस ये देखिए पूरा जो है यहाँ पे ये गाड़ी वाला देखिए यहाँ पे झूला लगा हुआ है, और यहाँ पे धूम झूला देखिए। यहाँ पे दुल्हन हम ले जाएंगे, इस गाड़ी पे जो है आप बैठा के अपने दुल्हन को ले जा सकते हैं कहीं भी। और ये देखिए हवाई जहाज भी है सीधा कोलकाता के लिए, आप यहीं से ले सकते हैं फ़्लाइट, ठीक है। ये चलिए आपको आगे चलिए चलते हैं, और मेरे साथ जो है आमिर भी है। और ये वाला देखिए दुकान है, देखिए अभी सज रही है पूरा, मैं आपको घुमा के दिखा दूंगा चारों तरफ। तो यहाँ पर अभी देखिए दुकानें वगैरह जो सज रही है, हम ऐसे दिन में आए हैं। और वो देखिए मंदिर है, भव्य मंदिर, यहाँ पे आपको दिखाएंगे वहाँ जाके। अभी फ़िलहाल आपको दिखा रहे दुकानें वगैरह जो सज रही है। और ये देखिए ये उछलने वाला झूला है, मतलब इस पर चढ़ के जो है बच्चे उछलते हैं और दुकानें वगैरह जो है। सो गाइस यहाँ पर देखिए ये झूला, और यहाँ पर देखिए जो अभी पूरा दोनों तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ ये देखिए मंदिर के दोनों तरफ दुकानें जो है सजी हुई है। बच्चे जो है दिन से यहाँ पे परेशान रहते हैं झूला झूलने के लिए। ये देखिए ये वाला बड़ा वाला झूला देखिए, चलिए आपको पास से दिखाते हैं। ये वाला झूला देखिए, बत्तख वाला झूला है, बहुत ही बड़ा वाला झूला। और इसके पीछे मैंने आपको बताया ये स्कूल है, हाई स्कूल मॉडल स्कूल। चलिए आपको थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। ये मैंने दिखाया है आपको, ये वाला तो स्कूल मैंने आपको दिखाया था कई वाला वीडियो में, इसी स्कूल पे जो ये मेला लगा हुआ है। और बच्चे जो है यहाँ पर दिन से ही परेशान रहते हैं
झूला झूलने के लिए। चलिए आपको अब मंदिर दिखाएंगे। ये मैंने जस्ट अभी आपको इसलिए दिखाया था कि दिन में जो है काफ़ी मतलब यहाँ पे फ्री रहता है, इसलिए मैंने अभी सोचा कि ब्लॉग बना देते हैं, उसके बाद जो है शाम को आएंगे। तो गाइस अभी देखिए यहाँ पर चारों तरफ दुकानें जो है मतलब ये बन ही रही है, और अपना अपना जो जो भी मतलब भी इसमें लगाना चाहते हैं दुकान वगैरह, कुछ खिलौने, कोई गुब्बारा, कोई कुछ तो पूरा जो है चारों तरफ से अभी मतलब कि स्टॉल वगैरह लगा रहे हैं जिन्होंने भी लगवाना होता है। और ये मैंने पीछे आपको दिखाया ये बहुत ही भव्य मंदिर, अभी जो इसका पर्दा खुला नहीं है, तो आज जो है रात को 12 बजे इसका पर्दा खुलेगा, अभी चलिए आपको बताते हैं। तो ये है पूरा मंदिर गाइस। सो ये देखिए ये मंदिर है पूरा, और ये देखिए अभी जो है पर्दा लगा हुआ है, आज रात को जो है 12 बजे ये पर्दा खुलेगा, क्योंकि मेला जो है कल परसों शुरू हो जाएगा यहाँ की 4 तारीख से। और यहाँ पे देखिए दुकानें वगैरह जो सजाई जा रही है, ये देखिए चारों तरफ मैंने आपको दिखा दिया है, सभी जो अपना अपना स्टॉल लगा रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए पूरा, तो अभी जो है हम मतलब कि मंदिर के पीछे वाले एरिया में है, और यहाँ पर जो है पूरा ग्राउंड है, देखिए पूरा ग्राउंड है। और आमिर जो है अभी साइकिल चला रहा है बहुत दूर में, वहाँ पर देखिए वो आमिर है, और बच्चे जो है यहाँ पे खेल रहे हैं, देखिए पूरा। और ये देखिए यहाँ पर बच्चे जो है मतलब कि दिन में भी साइकिल चलाते हैं, धूप में भी, वो देखे सत्यम है वहाँ पर, और आमिर वहाँ पे देखे खेल रहा है, और यहाँ बच्चे देखिए गुल्ली खेल रहे हैं, ये देखिए कंचा खेल रहे हैं, खेलो खेलो खेलो, ये देखिए। और ये मंदिर कितना मस्त मंदिर आप देख सकते हैं, और ये इसका नाम गोलगाल है, गोलगाल इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? अनिवेश कुमार। अनिवेश कुमार है, इसको गोलगाल प्यार से बोलते हैं। क्या कर रहे हैं आया अभी? मैं कुछ ऐसे ही देखने आया है, देखने आया है यहाँ पर, घूमने आया है, ठीक है, चलिए ठीक है, खेलो है ना। सो गाइस ये देखिए आगे का सीन है, और ये स्कूल है पुराना वाला हाई स्कूल, इसके पीछे जो ये फतेहपुर का रास्ता जाता है, यहाँ पर जो है आपको 2 तालाब दिखाएंगे जहाँ पे वगैरह मछलियाँ वगैरह है। अभी जो है आमिर वगैरह और अरमान और सत्यम जो है जाएंगे और पानी में थोड़ा सा मस्तियाँ मारेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है, और ये पूरा एरिया जो है भैंसों का इन्होंने कब्जा कर रखा है, देखिए आराम से भैंसे वगैरह जो है आराम से यहाँ पर अभी ठंडी छाँव में बैठे हुए हैं, यहाँ भैंसी का राज चलता है। तो ये मैंने पूरा दिखा दिया आपको सीन, आगे पीछे का पूरा सीन दिखा दिया मैं, चलिए चलते हैं अब आगे। ये देखिए वो आगे यहाँ तक जो है ख़त्म हो जाता है सजावट, चलिए गाइस। ये देखिए हम पास आ चुके हैं तालाब, दोनों तरफ से तालाब, यहाँ पर देखिए सजावट। ये फतेहपुर गांव को जो है ये जाता है रास्ता सड़क, देखिए आमिर वहाँ पे पहले ही जा चुके, जाके खड़े हुए आप देख सकते हैं, और ये है तालाब, यहाँ पर देखिए कितना मस्त नज़ारा है, और एक इस साइड से भी है सीन, देखिए पहले क्या गर्दिश सीन है। सो गाइस कैसा लग रहा है आप लोगों को वो मॉडल स्कूल? गाइस चलिए चलते हैं अब वो पानी में जो है डुबकी मारेंगे, पानी में घुसेंगे ठंडे ठंडे पानी में, क्योंकि बहुत ही गर्मी लग रही है हमें, मुझे तो तैरना आता नहीं है, वही सब जो है पानी में घुसेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा एंजॉय जो करेंगे। तो आपको कैसा लग रहा है ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा, पूरा जो है आज आपको मैंने गाँव दिखाया, और दूर जो है तालाब के किनारे जो है बकरियां वगैरह चराई जा रही है वो भी आपको दिखाएंगे।
वो सब्जी देखिए पानी में घुस चुके हैं। चलिए वो देखिए वहाँ पर अरमान अरमान अरमान, ये देखिए अरमान कैसे जा रहा है। हो वहाँ पर देखिए कैसे जा रहे हैं, ये देखिए लग रहा है कि ये राम सेतु है। जिस तरह से राम सेतु के ऊपर जो है पानी अब मतलब कि ऊपर आ चुका है, उसी तरह से ये राम सेतु आपको बिल्कुल दिख रहा है। ये देखिए पुल के ऊपर जैसे पानी चढ़ आ जाता ना, वैसे कैसे एंजॉय कर रहे हैं आप देखिए। ये पूरा ये देखिए सत्यम, और ये देखिए ये पूरा नजारा। उधर कहाँ जा रहे, उधर कहाँ जा रहे, उधर कहाँ जा रहे, इधर आ सकते हैं, इधर आए कैसा जब तू आए तक तोरा धकलबे करै छियो। आए सर तो हम घर चले, पानी में इन्होंने मस्तियाँ मार ली, अब घर जा रहे हैं। सत्यम आगे चला जा चुका है और अरमान इधर है, अब हम भी चलते हैं। तो चलिए अब घर पहुंच के आपसे मिलते हैं।